हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आप लोग बताऊंगा किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट केवल दो मिनट में वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में आप बना सकते हैं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है केवल आप मेरे साथ बने रहिए बने रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए ये मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट पहले से अवेलेबल है और यहाँ पर हम बता दें अगर आप किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट आप देखना चाहते हैं ओरिजिनल है या फेक है तो आपको क्या करना होता है आपको इस स्कैनर को स्कैन करना पड़ता है स्कैनर को स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल पे स्कैनर होना चाहिए स्कैन करने के बाद आपका इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जब इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो आप क्या करते हैं ये सब कन्फर्म कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल है लेकिन दोस्तों अभी ये कन्फर्म नहीं होता है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट से ही बना है तो आपको करना क्या होता है होम पे जाते हैं होम पे जाने के बाद आपको एक न्यू पेज पे लेके जाएगा जहाँ से इसकी बर्थ बनी हुई है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी आर एसओ आर जी आई डी डॉट इन, इन। वेबसाइट पे ये बनी हुई है और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ये इस पे बनी है ये ओरिजिनल पेज है कि या डुप्लीकेट तो जनरल पब्लिक साइन इन पे क्लिक करेंगे आपको आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है उसी तरीके का है तो इसका मतलब दोस्तों ये है जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने जनरेट किया है या करवाया है वो बर्थ सर्टिफिकेट आप हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों बस तथ्य क्या होता है दोस्तों ये वो जो वेबसाइट है इसे लिंक कर दिया गया है आपको बता दें इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा आपको क्या करना है अगर आपको मैं बता दूसरा मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कॉन्टेक्ट करके आप उसका सोलूशन भी पा सकते हैं तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर पहले बता देता हूँ यहाँ पर देखिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों यहाँ बताया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एंड डेथ आप आप रजिस्ट्रेशन इस लिंक के द्वारा कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपका जैसा कि डैशबोर्ड में ओपन हुआ उस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर देखिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है इससे कॉन्टेक्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस इसपे कॉन्टेक्ट करके आप इसका सोलूशन पा सकते हैं तो चलिए हम पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट करके और उसका पूरा टोटल प्रक्रिया बताते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा आपको क्या करना है अगर आप पहले बार यूज कर रहे हैं तो पहले साइन यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहां पे साइन इन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मांगा जाएगा तो आपको क्या करना है यूजर आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है पहले आपका आप अपना फुल नेम लिख दीजिए फिर उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और यहाँ पर एक कैप्चर पे बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहते हैं फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे फिर पे स्टेट लिखेंगे साइन अप पे क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों साइन अप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका ये जर्नलिस्ट साइन अप हो जाएगा यहां पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो चुका है आप क्या कर सकते हैं लॉगिन आई डी मुहिम आपका लॉग इन आईडी ही मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका पासवर्ड जो आपने बना रखा था ओके okay, पे क्लिक करके आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर पहले ऑलरेडी है वह अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको आपका अपने मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बना रखा था अपने अकॉर्डिंग जो भी वो पासवर्ड फिल कर कैप्चर फिल करना है तो चलिए मैं इतना करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और अपना जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपका नाम बताएगा और यहाँ पर बताया गया है कि जब आप इस, इस सर्विस का लाभ उठाएंगे तो आपको हंड्रेड रुपीज कम से कम इस वैलेट में रखना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले वैलेट में पहले बैलेंस ऐड करेंगे और पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से इसमें बैलेंस कटेगा क्या ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए जितना भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऐड कर जैसे सौ रुपये ऐड करना चाहते हैं तो सौ रुपये क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आप जो है अपना पेमेंट ऐड करके इसमें डाल सकते हैं दोस्तों हम बता दें इस दे इसमें जब आप इसके के या पोर्टल के अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें आपका कुछ पेमेंट भी कटेगा तो मैं अपना सौ रूपये एड करके दिखा देता हूं कितना रूपये पेमेंट कटता है और क्या ओरिजिनल है इसमें तो चलिए मैं अपना पेमेंट यहां कटा देता हूं जैसे ही पेमेंट कटाऊंगा उसके बाद हमारा न्यू पेज पे लेके ओपन हो जाएगा वहाँ पे ओपन होने के बाद आपको क्या करना है अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे केवल दो मिनट के अंदर आप किसी भी कैंडिडेट का आप बर्थ सर्टिफिकेट मतलब अवेलेबल करा सकते हैं और उसका कहीं भी यूज आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा सौ रूपये का बैलेंस ऐड हो चुका है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बर्थ पे क्लिक जैसे करेंगे उसके बाद आपको जहाँ का भी आपको बर्थ बनाना है जैसे उत्तर प्रदेश का बिहार का हो गया झारखंड का हो गया मध्य प्रदेश हो गया और भी आपके लिस्ट में नाम दे रखा है अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं आ लिस्ट भी देख सकते हैं जितने भी आपके स्टेट हैं सब दिए गए हैं लेकिन मैं अभी उत्तर प्रदेश का बनाना चाहता हूँ तो अब बर्थ अप्लाई उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आजमगढ़ के जितने भी जहाँ पर चिकित्सालय है उनका आपको कॉलम मिल जाएगा वहां से अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है तो यहाँ पे पहले आपका फुल नेम लिखना है जो भी आपका नाम है वहां या फुल नेम लिखिएगा फिर आधार नंबर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं आप जो भी डिटेल फिल करेंगे जैसा कि की आपको बता दें आपका जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ नाम मोबाइल मुनाम और एड्रेस आपका कंपलसरी जरूरी है तो मैं आपको स्टेप बाय एक एक स्टेप करके फिल करके बताता हूँ और पेमेंट भी कटवा करके फाइनली रसीद करके दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों बता दे आपको अपना नाम लिखना है फिर उसके बाद आधार नंबर फिल करना है फिर उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है फिर उसके बाद कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद आपको, आपको क्या करना है सबमिट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे जैसे चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए मैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज करके ओके पे क्लिक करता हूँ जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है यहाँ पर जैसा कि पॉपअप में हल्का सा फिल ब्लर वाला शो हो रहा है तो आपको इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जैसे कि यहाँ पे पांच पांच उन्नीस सौ तिहत्तर लिखे है तो यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ मई फिफ्थ मई वन थाउजेंड सेवेंटी थ्री इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यही बर्थ सर्टिफिकेट आपकी ओरिजिनल मानी जाती है इसलिए आप इस तरीके से लिखिएगा जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं पहले जैसा कि आप डेटर लिखेंगे फिर अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप जो भी नाम होगा मई जून वो लिखेंगे फिर उसके बाद आपका जो भी ईयर होगा ईयर लिखेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है जहाँ पर कैंडिडेट का बर्थ हुआ था मैं यहाँ पर आजमगढ़ लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है पिता का आधार नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों पिता का नाम लिखने उसके बाद माता का नाम लिखेंगे फिर माता का आधार नंबर है लिख दीजिए नहीं तो इसे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि विलेज पोस्ट एंड पर थाना मबलाक जो भी एरिया है पिन कोड आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है फिर उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर तो यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको अस्थाई पता इसमें दिया गया है अगर परमानेंट और अस्थाई दोनों सेम है तो आपको क्या करना है इसको कॉपी करके इसी में आपको पेस्ट कर देना है दोस्तों मैं तो यहाँ पे इस पर पे पेस्ट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद आपको पंजीयन की तिथि लिखना है कब आपके रजिस्टर में दर्ज हुआ था अपने अकॉर्डिंग लिखना लिख सकते हैं और अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिर उसका वो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है जिस भी स्टेट से आप बनवाना चाहते हैं वो स्टेट चूज करेंगे स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है जिस भी जहाँ से आपका बर्थ बनवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं चूज करने के बाद आप जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर जैसे कि अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी जहाँ है वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए यहाँ पर बहुत सारा हॉस्पिटल दे रखा है उत्तर प्रदेश का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थायी से चूज करके ओके करके दिखाता हूँ मैं बर्थ सर्टिफिकेट राजमार्ग बनवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है बर्थ सर्टिफिकेट आज आजमर पे क्लिक करके वर्थ बना लेना यहाँ भी दोस्तों बता दे हंड्रेड रूपए का तो बैलेंस है लेकिन मिनिमम बैलेंस में हंड्रेड रूपए आपका पहले से अवेलेबल होना चाहिए इसलिए मैं वर्ष नहीं बना इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा जब भी आप बैलेंस ऐड करें तो दो सौ रूपये ऐड करें सौ रुपये इसमें आपका रहने चाहिए और सौ रुपये का आपका पेमेंट कटता चला जाएगा तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके सौ रुपये का बैलेंस और ऐड कर लेते हैं अपने पेटीएम वैलेट से और वहां पर ऐड करने के बाद फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग देखे थे उसी तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा फिलअप करने के बाद आपको बताएंगे किस तरीके से आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होकर उसका यूज कर सकते हैं अब दोस्तों हमने सौ रुपये का और बैलेंस ऐड किया टोटल दो सौ रुपये का बैलेंस यहाँ पे दिखा जा रहा है अब हम बर्थ बनाएंगे जैसा कि आप लोगों ने वहां पे देखा था कि हमारा बैलेंस सौ रूपये था इसलिए वहां पे नहीं हो रहा था तो हमने इसको दो सौ रूपये कर लिया फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम फिल कर लेंगे दोस्तों उस तरीके से जैसा हमने फॉर्म को फिलअप किया था उसी तरीके से फिल कर लेंगे तो उसके बाद लो बैलेंस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक से दो मिनट के अंदर पॉपअप होगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाएगा यह देखिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है व्यू करना चाहते व्यू कर सकते हैं अगर अभी भी आप इस बर्थ सर्टिफिकेट में एडिट अभी भी दोस्तों इस बर्थ सर्टिफिकेट में एडिट करना चाहते हैं नाम डेट ऑफ बर्थ कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसमें एडिट भी कर सकते हैं व्यू करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपका देखिए ये मेन पोर्टल पे लेके चला जाएगा जहाँ से यहाँ वेरीफाई होता है देखिए यहाँ पे सी आर एस जी ओ डॉट व्यवटेक्स व्यू कार्ड पे बर्थ सर्टिफिकेट पे आ जाएगा यहाँ पर देखिए हो बहू एकदम ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो गया है इस बर्थ सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों यह बर्थ सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है यहाँ पर इसको सेव पी डी पे करके इस पी फॉर्मेट को सेव कर, कर लेते पीडियो हैं, पीडियो हैं। पीडियो ओके थैंक यू दोस्तों बाय